आप देख सकते हैं हमने यहाँ 3D प्लान बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं इसका जो है कि ये फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू से आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने मेन डोर दिया हुआ है और 3 विंडो है। साइड में देखेंगे तो साइड में कुछ इस तरीके से दिखेगा। साइड में जो है कि साइड व्यू में आप देखेंगे तो 2 विंडो दिया गया है। बैक में देखेंगे तो बैक में 2 विंडो दिया गया है और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 विंडो दिया गया है। इसके बाद फिर आप देखेंगे फ्रंट से तो कुछ इस तरीके से आपका ये प्लान दिखेगा बनने के बाद। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं टॉप से कि कैसा आपका दिखेगा बनने के बाद। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक लिविंग एरिया दिया हुआ है। लिविंग एरिया का आप देख सकते हैं आप सोफा, इसके बगल में आप हमने एक डोर दिया हुआ है। जब डोर से आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप प्रवेश करेंगे अंदर की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने जो है एक टॉयलेट यहाँ पे दिया हुआ है। टॉयलेट और बाथ हमने यहाँ दिया हुआ है। टॉयलेट और बाथ के बगल में आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेडरूम नंबर 1 है हमारा। उसके बाद बेडरूम नंबर 1 के बगल में बेडरूम नंबर 2 दिया हुआ है हमने। बता दें आपको हम इसका साइज बताएंगे कितने फीट बाय कितने फीट का है, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। ये आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि बेडरूम नंबर 2 दिया हुआ है। इसके बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि हमने स्टेयर दिया हुआ है। ये हमारा स्टेयर अप रहेगा, हमारा डाउन रहेगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको डाइनिंग एरिया देखने को मिलेगा। ये डाइनिंग एरिया आपका टोटल है। मैं आपको इस प्लान को जो है 2D में करके दिखाऊंगा कितने फीट बाय कितने फीट का है। वैसे आपको बता दें ये जो प्लान है ये 30 फीट बाय 30 फीट का ही है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बेडरूम दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से बेडरूम दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ये किचन है। ये आपका जो है ये किचन रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने एक बेसिन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे एक बेसिन दिया हुआ है, यहाँ पर हमने बेसिन दिया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है प्लान है। आप देख सकते हैं फ्रंट से एक बार कैसा दिखेगा ये, आप देख सकते हैं इसे। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि देख सकते हैं आप किस तरीके से दिखेगा। चलिए आपको हम ट्रांसपेरेंट करके दिखाते हैं। तो आप ट्रांसपेरेंट में देखेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से प्लान दिखेगा पूरी तरीके से कि ये आपका देखिए लिविंग एरिया हो गया, किचन हो गया, बेडरूम हो गया, ये भी बेडरूम, ये भी बेडरूम, यहाँ पे स्टेयर। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है ये डाइनिंग होगा। तो ये था जो कि 3D प्लान था हमने दिखाया। अब चलिए आपको हम बताते हैं कि इसका साइज कितने फीट है कितने फीट का है। इसको आप इसका हम आपको एरिया शो करते हैं। तो चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे जो है 2D प्लान को कर दिया हुआ है। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरा डायमेंशन शो किया हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको 3D में कि ये हमारा लिविंग एरिया था। इसका जो साइज है ये 12 फीट बाय 10 फीट का। इसके बाद यहाँ पे हमने डोर दिया था, आप देखे थे यहाँ पे, आप देखे थे यहाँ पे हमने एक टॉयलेट दिया था। ये यहाँ पे हमने टॉयलेट दिया हुआ है। इसका जो साइज है आपको बता दें कि 6 फीट बाई 4 फीट का ये हमारा पहला टॉयलेट रहेगा। दूसरा टॉयलेट जो है 6 फीट बाई 3 फीट 5 इंच का रहेगा। थ्री फीट 6 इंच का ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कि 6 इंच का हमने पार्टीशन वॉल दिया हुआ है। इसके बगल में आप देख सकते हैं बेडरूम नंबर 1 जो है हमारा ये 10 फीट बाई 10 फीट का है। यहाँ पे आप देखेंगे बेडरूम नंबर 2 जो है ये भी 10 फीट बाई 10 फीट का है। बगल में जो स्टेयर है, स्टेयर की साइज आपको बता दें कि जो स्टेयर है ये आपका 8 फीट बाई 9 फीट का स्टेयर है, जिसमें लैंडिंग आपका जो रहेगा ये 8 फीट बाई 3 फीट का लैंडिंग रहेगा। और यहाँ पे जो है ये आपका जो है कि उसके बाद जितना भी जगह बचेगा यहाँ पे आपका फर्स्ट फ्लाइट रहेगा, यहाँ पे आपका सेकंड फ्लाइट रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने डाइनिंग एरिया दिया हुआ है जैसा कि मैंने आपको 3D में दिखाया था। यहाँ पे हमारा जो है कि डाइनिंग टेबल और यहाँ पे जो कि चेयर है, इसका जो साइज आपको बता दें 22 फीट बाई 8 फीट का हमारा जो है ये, यानी 22 फीट बाई 8 फीट का हमारा ये डाइनिंग एरिया है। यहाँ पर आप देखेंगे डाइनिंग के बगल में तो यहाँ पर हमने बेडरूम नंबर 3 दिया हुआ है जो कि 10 फीट बाई 10 फीट का है। इसके बगल में देखेंगे तो हमने किचन दिया हुआ है, आपको बता दें कितने फीट का है, तो ये 7 फीट है। उसके बाद ये 8 फीट है यहाँ से यहाँ तक। विंडो आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे विंडो दिया हुआ है, जैसा कि आपने 3D में देखा हुआ कि विंडो हमने कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है। तो इस प्लान को आप जो है कि 2D में देख लिए हैं और 3D में भी देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए। ये देख सकते हैं आप 30 फीट का हमारा प्लान है। चलिए आपको हम फिर से 3D में करके दिखाते हैं। 3D में आप देखेंगे 3D में आपका जो प्लान है ये इस तरीके से दिखेगा। इस तरीके से आपका जो है ये प्लान 3D में दिखेगा। आप देख सकते हैं फिर से 3D में, तो इस तरीके से आपका जो है ये प्लान है जो ये 3D में दिखेगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका जो है ये प्लान 3D में दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है आपका 3D में प्लान जो कि 30 फीट बाय 30 फीट का है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी।